इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री थी कांग्रेस के, राजीव गांधी जी। वो कहते थे इंदिरा गांधी के समय में नारा लगता था गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी थी। और इंदिरा गांधी जी के समय के मैं उदाहरण देना चाहता हूं आज कांग्रेस के मित्रों को, देश के सामने। 1974 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो 28% महंगाई थी। जब कांग्रेस की सरकार 2013 से पहले, 2014 से पहले 2013 तक 11% महंगाई दर थी, 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बनने के बाद आज देश की जो महंगाई दर है 4.81% है। इसे कहते हैं गरीब कल्याण की योजनाओं का इंपैक्ट। और कभी भी इनके कार्यकाल में डबल डिजिट से नीचे महंगाई नहीं गई। दर्द तो तब होता है, मैं मीडिया के मित्रों से आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में आज के मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जो शायद आज भी विदेश में हैं, वो कहते थे कि महंगाई दर क्यों बढ़ रही है, कि गरीब अब दोनों समय भोजन करने लगा। गरीबों का इतना अपमान करने वाले व्यक्ति इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, आज आपको देखना चाहिए कि गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर जो हमारा प्रमुख मुद्दा है आज इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश ने भी इतिहास बनाने का काम किया है।